अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि बड़ी सादगी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनकी पुण्यतिथि दरगाह फातमान में आज 12वीं पुण्यतिथि पर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे, उनके परिवार की तरफ से, बनारस की जनता की तरफ से, इस देश की तरफ से, उनके मकबरे स्थल जहां उनका कब्र है आज हम लोग वहां पे उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। खान साहब क्योंकि अपना पूरा जीवन जो है बड़ी सादगी से उन्होंने बिताया, इसी तरीके से हम लोग परिवार के लोग भी उनके जो कार्यक्रम करते हैं वो बड़ा सादगी के साथ करते हैं। सकेल जी, अटल जी से भी इनका गहरा नाता रहा है, कई बार देखा गया है कि अटल जी इनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनके बहुत पुराने साथी थे, आज के नहीं। 1955 से जब वो सांसद थे, 1955 में वो लोकसभा में रहते थे, तो बिस्मिल्लाह खान साहब जहाँ तक उनकी बात है खान साहब की, तो खान साहब की उम्र से 10 साल आगे पीछे और उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के वक्त में उनको भारत रत्न भी बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया था, उनको और लता मंगेशकर जी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दो राय नहीं है कि वो इंसानियत की एक जागती हुई मूर्ति थे, वो इंसानियत का पैगाम देने वाले वो थे, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से खास साहब से बहुत अच्छी संबंध था, और ऐसा नहीं है कि उनके संबंध में, उनको उन्हीं के सरकार में और उन्हीं के वक्त में भारत रत्न दिया गया 2002 में।